सूखते हुए पौधे में भी जान डाल देता है मानसून सीजन। और मानसून सीजन लगभग धीरे धीरे आने वाला है, कुछ जगहों पे आ गया है, बारिश ने दस्तक दे दी है। तो मानसून सीजन आने से पहले कुछ प्री मानसून वर्क जो मैं आपको 8 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको अभी गार्डन में ज़रूर कर लेना चाहिए, जिससे कि मानसून में आपके पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करें और उनमें ढेर सारे फूल और फल बने, पौधा काफ़ी घना हो। मानसून सीजन में पौधे नई ग्रोथ लेते हैं, ढेर सारी ग्रोथ आती है और ढेर सारे फूल फल बनने लगते हैं। पर कुछ 8 जरूरी चीज़ें जो आपको कर लेनी चाहिए, नहीं करेंगे तो मानसून का जो उल्टा असर होता है वो आपके गार्डन में ज़रूर पड़ जाता है। तो उसमें सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ होता है दोस्तों, वो होता है आपके गार्डन की साफ़ सफाई। चाहे आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हो या बालकनी गार्डनिंग, तो उसमें क्या होता है, जो पौधों के सूखे पत्ते होते हैं या सूखे फूल होते हैं वो गिरते रहते हैं, और गिर के जब बारिश होती है तो पानी के साथ जो आपका ड्रेनेज होल होता है, इस प्रकार से देखिए ड्रेनेज होल को कवर करते हैं, और फिर वहाँ से आपका पानी ड्रेन नहीं हो पाता है, निकल नहीं पाता है, तो आपके टेरेस पे या बालकनी में वो पानी इकट्ठा होता रहता है, जिससे सीलन होती है और पौधों में फंगस भी बनता है। अब जो दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं वो है कि जो घास है, खरपतवार है गमलों में, उनकी साफ सफाई करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मानसून सीजन में पौधे जितने अच्छे से ग्रोथ करते हैं, जितनी तेजी से ग्रोथ करते हैं, जो घास होती है, खरपतवार होती है, वो भी उतनी ही तेजी से ग्रोथ करती हैं और धीरे धीरे आपके पूरे गमले को कवर कर लेती हैं। पूरा गमला आपको घास से भरा दिखाई देगा, जिससे कि पौधों को मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स घास बहुत तेजी से खींचते हैं, तो पौधे की ग्रोथ पे उसका असर पड़ता है। तो मानसून शुरू होने से पहले आप सभी गमलों को चेक करें और उनमें जितनी भी घास है या खरपतवार है उन्हें अच्छे से निकाल लें, और ध्यान रखें कि उन्हें कोशिश करें कि जड़ सहित निकालें, ना कि ऊपर से तोड़ें, जिससे कि वो फिर वापस से पनपने में टाइम लेते हैं। तो इस प्रकार से साफ करना बहुत आवश्यक है। साफ किए हुए घास को, खरपतवार को आप कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं, जिससे नया आपका कंपोस्ट बन जाएगा और उन्हें फिर आप अपने पौधों में यूज भी कर सकते हैं। अब तीसरी चीज जो दोस्तों, वो आपको पूरे गमलों की, सभी गमलों की मिट्टी को चेक करना है। क्या होता है कि मिट्टी जो है वाटरिंग करते करते हार्ड हो जाती है, जो मिट्टी का सरफेस होता है, तो आपको चेक करना है कि मिट्टी का ड्रेनेज अच्छा है कि नहीं, क्योंकि बारिश जब लगातार होगी तो मिट्टी में पानी पौधे गमले में जमा होगा, और उस पानी को जमा होने की वजह से पौधे में रूट रॉट, फंगस, ये सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो आपको गमलों की ड्रेनेज होल, साथ में मिट्टी की जो टेक्सचर है वो चेक करना है कि इसमें पानी होल्ड तो नहीं हो रहा है। अगर पानी होल्ड हो रहा है तो आप मिट्टी की गुड़ाई कीजिए, उसमें हल्की मात्रा में सैंड और कोकोपिट मिला दीजिए या कंपोस्ट मिला दीजिए, जिससे कि मिट्टी का जो टेक्सचर है वो अच्छा हो जाए और इसकी जो ड्रेनेज सिस्टम है मिट्टी का वो अच्छा हो जाए, पानी होल्ड नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों हम आ जाते हैं चौथी पॉइंट पे, जो कि अभी मैंने आपको बताया मानसून सीजन में पौधे बहुत ही तेजी से ग्रोथ करते हैं, तो जिन भी पौधों को आपको शेप देना है, साइज देना है सही से, तो उनकी आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये देखिए आपको कड़ी पत्ता का पौधा है, इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की हुई है, और इस हार्ड प्रूनिंग करने के बाद इसमें नई ग्रोथ आएगी और पौधा काफ़ी ज़्यादा घना हो जाएगा इस मानसून सीजन के दौरान। तो आपको भी जिन पौधों में शेप देना है या उसको बूसी बनाना है, उसकी प्रूनिंग कटिंग जरूर करें, जिससे कि पौधे में नई ग्रोथ आए मानसून सीजन में, तो वो पौधा काफ़ी अच्छे से घना हो जाए। जो फूल वाले पौधे हैं, फल वाले पौधे हैं, जो भी पौधे हैं आपके पास, सभी की कटिंग इस मानसून सीजन में की जा सकती है। सॉफ्ट या हार्ड प्रूनिंग, दोनों तरह की प्रूनिंग इस मानसून सीजन में आप कर सकते हैं। पहले कर लेते हैं तो मानसून सीजन में जो ग्रोथ होगी उससे पौधा काफ़ी घना हो जाएगा। फूल वाले पौधों में नई कलियाँ बन के आती हैं, ढेर सारे फूल बनने लगते हैं, तो आपको ये जरूर कर लेना है पौधे को घना बनाने के लिए, गार्डन को और अधिक सुंदर बनाने के लिए। साथ में जो कटिंग आप करते हो, कटिंग जो आपकी निकल के आती है, वो कटिंग आप मिट्टी में लगा देंगे तो मानसून सीजन में कटिंग बहुत ही इजीली ग्रो होती है, बहुत ही इजीली कटिंग जो है वो प्रोपोगेट हो जाती हैं, और आपको एक पौधे से ढेर सारे नए पौधे तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ अगर आप नए पौधे गार्डन में लगाना चाहते हो तो ये सीजन सबसे बेस्ट होता है नए पौधों को गार्डन में लगाने का। इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर नहीं करनी पड़ती, आप पौधे को नर्सरी से ले आके गार्डन में लगा देते हैं, मानसून सीजन में बहुत ही अच्छे से वो पौधे लग जाते हैं और आपके गार्डन की जो माहौल है उसमें ढल भी जाते हैं। तो नए पौधे लगाने के लिए या फिर नई नई गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हो, आप बिगिनर हो, तो मानसून में ही पौधों को लगाना सबसे उचित होता है। अब आ जाते हैं दोस्तों पांचवें टॉपिक पे, जो है कंपोस्टिंग। देखिए मानसून सीजन में हमें लिक्विड कंपोस्ट कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि मानसून सीजन में जो बारिश का पानी होता है उससे मिट्टी गीली रहती है, और फिर वापस से बारिश होता है तो जो लिक्विड कंपोस्ट हम देते हैं वो पानी के साथ बह के निकल जाता है ड्रेनेज होल के रास्ते से। तो मानसून सीजन में लिक्विड कंपोस्ट देने से बचें। उसमें आपको देना है ड्राई कंपोस्ट, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये हमारा किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट है जो कि हम अपने पौधों में देते हैं। इसको आपको देना है मानसून सीजन शुरू होने से कुछ दिन पहले, और एक बार ड्यूरिंग मानसून सीजन जब बारिश हो रही होती है उस बीच में आपको एक बार देना होता है, जिससे कि आपके पौधे की जो ग्रोथ होती है
वो और अच्छी होती है और उसमें फल और फूल काफ़ी अच्छे से बनते हैं। तो इसको आपको जैसे मैं अभी देखिए अभी अपने पौधों में इसको देने वाला हूँ। ये देखिए हमारा विनका का पौधा है और इसमें नमी है अभी वाटरिंग करने के बाद, तो इसकी हम कर लेंगे अच्छे से गुड़ाई, और गुड़ाई करने के बाद इस पौधे में हम मिट्टी को हल्का साइड करेंगे और जो ड्राई कंपोस्ट मैंने आपको दिखाया है उसको हम पौधे के आसपास डाल देंगे। डालने के बाद वापस से हम इसे मिट्टी से कवर कर देंगे और मिट्टी में नमी है तो हम वाटरिंग अगले दिन करेंगे इसमें, अगर नमी नहीं होती तो हम तत्काल वाटरिंग कर देते हैं। तो इस प्रकार से जब भी आप मानसून सीजन में कंपोस्टिंग आपको करनी हो तो ड्राई कंपोस्ट करें, लिक्विड कंपोस्ट से बचें, और मानसून सीजन शुरू होने से करीब 2-4 दिन पहले आप एक बार कंपोस्टिंग कर देते हैं तो जो बारिश होती है उसके पानी से ये कंपोस्ट और अधिक उपयोगी हो जाता है और पौधों को बहुत जल्दी मिलने लग जाता है, तो पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ है वो है आपको मानसून सीजन में जो भी पौधे लगाने हैं या जो फल या फूल के पौधे लगाने हैं, सब्जियां लगानी हैं, उनके लिए आपको जो मिट्टी है वो अभी से तैयार कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको बारिश में मिट्टी ड्राई होने, गीली होने की जैसी समस्याएं ना हो। आप अपने ग्रो बैग या गमले जो भी हों उनको तैयार कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, फिल कर लीजिए, और फिल करके उनको किसी स्थान पर रख दीजिए। जब आपके पौधे सैपलिंग्स रेडी हो जाए या आप नर्सरी से आप पौधे ले आते हो तो आपको सिर्फ उसमें लगाना रहे, क्योंकि बारिश में आप पौधों को मिट्टी को ड्राई नहीं कर सकते, उसमें कंपोस्टिंग थोड़ा मिलाना मुश्किल होता है क्योंकि लगातार बारिश हो रही होती है, तो ऐसे में ये सारी चीज़ें करना मुश्किल होता है। उसके लिए प्रिपरेशन अभी से करनी पड़ती है, तो अभी सही समय है, आप मिट्टी तैयार कर लीजिए, गमलों को भर लीजिए, बस पौधों को ले आके लगाना हो और आप लगाएंगे वो पौधे चलने लग जाएंगे। इसके बाद दोस्तों एक कॉमन प्रॉब्लम बारिश में जो आती है वो होती है फंगस की, क्योंकि बारिश लगातार होती है, पौधे में मिट्टी पूरी गीली होती है, पानी लगा होता है, मिट्टी में भी फंगस पैदा होती है, साथ में जो फूल हमारे सूख रहे होते हैं, गीले होते हैं, वो पौधों पर लगे रहते हैं, तो वहाँ भी फंगस का प्रॉब्लम देखा जाता है। इससे बचने के लिए आपको नियमित तौर पे हफ्ते में एक बार किसी भी फंगिसाइड पाउडर का इस्तेमाल स्प्रे के तौर पे अपने सभी पौधों पे करना है, जिससे कि उसमें फंगस उत्पन्न ना हो। साथ में मिट्टी में नीम खली पाउडर या फिर हल्दी का पाउडर आप डाल सकते हैं, जिससे मिट्टी में भी फंगस नहीं पैदा होगी। तो ये प्रिवेंशन है जिसको आपको फंगस से बचने के लिए अपने गार्डन में ज़रूर करना चाहिए, ताकि बारिश का जो निगेटिव इफेक्ट है वो आपके गार्डन में ना आए। और दोस्तों लास्ट में हम बात कर लेते हैं जो पौधों की प्लेसिंग है, बारिश में पौधों को कहाँ रखना चाहिए, किसमें कितना पानी बारिश का पड़ना चाहिए। तो देखिए कुछ पौधे होते हैं जो बारिश का पानी बहुत ज़्यादा, जिसमें नमी नहीं चाहिए होती है, उनको आपको बारिश से बचाना है। पर क्या है, पहली और दूसरी बारिश में सभी पौधों को आपको इस तरह से रखना है जिसमें बारिश का पानी पड़े, क्योंकि पहली और दूसरी बारिश का पानी जो है वो पौधों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, चाहे उस पौधे को ज़्यादा वाटरिंग चाहिए हो चाहे नहीं चाहिए। जैसे हमारा पौधा है, ये देखिए एडेनियम के पौधे हैं, इनको बारिश में आपको नहीं रखना है, पर इनको भी आप पहली बारिश में बाहर रखिए, जिससे कि बारिश का पानी इसमें आए, इस पौधे की भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। वापस से इन्हें आप शेडेड प्लेस में रख दीजिए जिसमें डायरेक्ट बारिश का पानी लगातार ना गिरता रहे, क्योंकि फिर इसमें जो रूट्स होती हैं, जिसकी जड़ होती है, वो फंगस से ख़राब होने लग जाती हैं। तो कुछ पौधे हैं जिन्हें आप पूरे मानसून सीजन में बाहर नहीं रख सकते, जिसमें कि बारिश का पानी लगातार पड़ता रहे, पर पहली और दूसरी बारिश में कोशिश कीजिए कि आपके सभी पौधों में बारिश का पानी पड़े, जिससे कि उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, फिर उन्हें आप शेडेड एरिया में रखें जहां डायरेक्ट बारिश का पानी गमलों में ना पड़े। और बाकी जो पौधे हैं, जो आउटडोर पौधे आपके हैं, उनको सबको आपको बारिश के उसमें रखना है, बाहर रखना है, जहां उनमें फुल टाइम बारिश का पानी पड़े पर पानी रुके नहीं, बस इतना आपको ख्याल रखना है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो मानसून सीजन में आपका गार्डन हरा भरा और फूलों से भरा रहेगा। तो दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।